करके उन्होंने कहा है कि न्यूयॉर्क में जिस पॉलिसी को लेकर के, जिस स्कूल मॉडल को लेकर के चर्चा हो रही है, ये चर्चा केंद्र सरकार को हजम नहीं हो रही है और इस वजह से छापेमारी की जा रही है। देखो, दो अखबारों का जिक्र कर रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम और एक खलील टाइम, दोनों के दोनों में कोई खबर ऐसी है नहीं। वो एक आर्टिकल एक व्यक्ति लिखता है, आर्टिकल हमारे पत्रकार लिखते हैं, नेता लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, वो आर्टिकल अखबारों में छपते हैं। एक आर्टिकल लिखा है और भारत के पैसे का मिसयूज करके एक खालिस्तानी ने आर्टिकल लिखा है, वो खालिस्तान समर्थक है, उसका राइटर देख लीजिए आप, तो वो खबर नहीं है। ये गुमराह कर रहा है लोगों को, जैसे इसने पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले गुमराह किया। मैं कमिश्नर था इनकम टैक्स का, गरीब लोग समझ रहे लोग, अच्छा मैं तो करोड़ों कमा लेता, अगर मैं कमाना होता मैं तो देश सेवा करने आया हूं। तो ये देश के लोगों को गुमराह कर रहा है कि शायद विदेशों में वास्तव में इसके मॉडल की तारीफ हो रही है। भारत की मीडिया इतनी कमजोर है क्या? भारत के किस मीडिया हाउस ने कहा है कि ये 200 मोहल्ला क्लिनिक की लिस्ट जारी कर रहा है आज तक, और ये बहुत बढ़िया बनाए हुए हैं, 200 स्कूलों की लिस्ट जारी कर रहा है, हम गए हैं बहुत बढ़िया बनाया। तो ये आप न्यूज टाइम, आप आज तक टाइम जाकर सर्वे करें, हम भी स्कूलों की हालत दिखाएंगे यहाँ पर। तो ये लोगों को परसेप्शन जो बेचता है, आज लिकर पॉलिसी पे उसको बात करनी चाहिए। जो तुमने लिकर पॉलिसी बनाई थी जिसमें आपने करोड़ों रुपया हड़पे हैं, 3,000 करोड़ रुपया, उसमें आपने ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर को ठेका क्यों दिया? आपकी पॉलिसी में नहीं देंगे, आपकी पॉलिसी बनी है 2021, उसमें आपने कहा कि जो होलसेल का डीलर होगा, उसको मैन्युफैक्चरर होगा शराब का, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, आपने दिया। आपने कहा ग्रुप बनाकर दो जोन से तीसरे जोन में कोई ग्रुप बनाकर कॉन्ट्रैक्ट डालेगा, बीवी के नाम से, बेटे के नाम से, अलग वही कंपनी, उनको नहीं देंगे, आपने दिया। आपने 140 करोड़ रुपया उनको वापस कर दिया, क्या रिश्तेदारी थी आपकी? आपके कोई रिश्तेदार थे, मामा फूफा, बता दो मेरे रिश्तेदार थे, मैंने ऑब्लाइज किया, मुख्यमंत्री बन गया मेरे साडू की तरह, जैसे मैंने साडू को ऑब्लाइज किया था, मैंने रिश्वत, ये बता दो फिर। और अगर आपके रिश्तेदार नहीं थे तो आपने किस आधार पर दिल्ली के लोगों का पैसा, जैसे विदेश के अखबारों में आर्टिकल लगवाने के लिए बर्बाद कर रहे हो, ऐसे दिल्ली के पैसे को आप क्यों ऐसे ब्लैकलिस्टेड लोगों के पीछे बर्बाद करके रिश्वत खा रहे हो आप लोग? आर्टिकल